ढाल की एक निशंस घटना ने झारखंड ही नहीं पूरे देश को चौंका के रख दिया। 7 लोगों की निशंस हत्या, सर काट डाला गया 7 लोगों का। आखिर इतनी बड़ी घटना और ऐसे इलाके में, झारखंड को माना जाता है आदिवासी बड़े शांत सुशील सहिष्णु होते हैं, ये तो सब प्रथम दृष्टया ही दिखाई देता है कि किस तरह से मीडिया और ब्यूरोक्रेसी, वो कौन ब्यूरोक्रेसी, कौन तंत्र जिसको भाजपा सरकार ने 10 वर्ष में गढ़ा है और उन लोगों ने मिलकर इस तरह का किया। इसको इसका तात्कालिक लाभ तो भाजपा ले रही है, पॉलिटिकल गेन तो उसको हो रहा है। वो एक अपना जो पुराना जो प्रपंच रची थी और जिसका पर्दाफाश होने के बाद ही सरकार हटाई, अब उसको एक लॉजिक मिल गया, एक तर्क मिल गया और उसको लेकर राजनीति हो रही है। सती पती कल्ट है, एक दर्शन जो है उसको अभी गुरिल्ला वार से मत जोड़िए। वो केवल एक चीज कहता है, वो कहता है कि रानी विक्टोरिया के समय में जो समझौता आदिवासियों के साथ हुआ था वही संविधान, वही उसी को हम मानते हैं। मानने सुना होगा कि कोल्हान में इस तरह की घटनाओं की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी। आपने केसी हेमरम और सीए टोपनो, ख्रिस्तानंद टोपनो के बारे में सुना होगा, जिसने ये मुद्दा उठाया था। झारखंड में ये गुजरात में ये नई बात नहीं हो सकती है, झारखंड में ये नई बात नहीं है, ये पिछले 3 दशक पुरानी 4 दशक पुरानी घटना है, जिसके बाद उन दोनों नेताओं को अंडरग्राउंड होना पड़ा था।